हमारी सास बहू और बेटा की इस एंटरटेनमेंट वाली पार्टी से आ रही है आप सबके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। हम तो लेकर चल रहे हैं आपको एक्टर जतिन शर्मा के पास, जो कर रहे हैं हमारी टीम सास बहू और बेटा के साथ मुंबई दर्शन। अब हो मुंबई दर्शन और ना हो बात खाने पीने की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुंबई दर्शन के साथ साथ ये तो है एक फूडी डे आउट भी। लेकर चलते हैं आपको फटाफट जतिन के पास। एक्टर जतिन सारना, जिन्हें आप हाल ही में वेब सीरीज खाकी में देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने निभाया च्यवनप्राश का किरदार। इसके अलावा ये नजर आ चुके हैं वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में। फिल्म 83 में इन्होंने निभाया यशपाल शर्मा का किरदार। इसके अलावा कई और किरदार इन्होंने निभाए हैं और किया है अपने दर्शकों को एंटरटेन। और आज सास बहू और बेटिया संग जतिन बिताएंगे पूरा एक दिन, करेंगे मुंबई की सैर। खाएंगे स्ट्रीट फूड, बताएंगे अपने करियर और स्ट्रगल की कहानी, साथ ही करेंगे शॉपिंग भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फन डे आउट की जतिन सारना संग। तो भाई सफर की शुरुआत हुई वर्सोवा बीच से, क्योंकि जतिन वर्सोवा में ही रहते हैं, बीच के बिल्कुल पास। तो भाई सफर की शुरुआत करने से पहले इन्होंने बीच पर जाकर की मस्ती। पता नहीं आप मुझे जहाँ ले चलेंगे मैं चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुंबई कई सालों तक रहने पर भी अभी बहुत एक्सप्लोर नहीं करी है। तो मेरा ख्याल है हम इस वक्त तो वर्सोवा बीच पे है जो मेरे घर के बहुत करीब है। इसके बाद हम सजू चौपाटी जाने वाले हैं, फिर सायन जाने वाले हैं, और उसके बीच में एक कोई और जगह है जहाँ पर हम कुछ वड़ा पाव खाने वाले हैं। मैंने खाया, बिल्कुल खाया है, बड़े चाव से खाया है। बॉम्बे में आए और वड़ा पाव नहीं खाया, तो फिर बिल्कुल ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि आप डाइट पर तो नहीं है, मैंने कहा मैं डाइट पर हूँगा तो भी मैं ये चीज़ें खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड, क्योंकि दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में स्ट्रीट फूड तो बहुत ज़्यादा चलता है, तो बिल्कुल खाएंगे। चलिए अभी चलिए। और अब बारी है सफर के शुरुआत की। तो भाई सबसे पहले हम जाएंगे जुहू बीच पर, जहाँ पर यमी यमी स्ट्रीट फूड खाएंगे जतिन। भाई डाइटिंग का जतिन ख्याल तो रखते ही है, लेकिन जब होता है चीट डे तब पेट भरकर यमी यमी खाना खाते हैं। तो भाई सफर की शुरुआत हो गई है और ऐसे में उन्होंने बताया अपना सफरनामा। दिल्ली की मेरी पैदाइश है और दिल्ली में ही पढ़ाई भी की है, वहीं पर ही अपना मतलब हम 25
26 साल तक की उम्र वहीं पर अच्छे से बिताई। फिर थोड़ा बॉम्बे आना जाना शुरू हुआ तो पढ़ाई भी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल से करी थी, और पिताजी के साथ उनके काम में थोड़ा सा साथ दिया, थोड़ी देर बैठा, लेकिन वही है कि वो पॉसिबल नहीं था, मतलब मेरे लिए उतना, मुझे उतना पसंद नहीं था, तो मैं इसलिए फिर वहाँ से 9-2-11 हो गया। पिताजी का अभी भी है काम है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं वो, और मतलब छोटा सा शॉप है एक लाल क्वार्टर में, बहुत पुराना, कृष्णा नगर दिल्ली में। तो वो भी चाहते थे कि भाई ये पढ़ लिख ले, थोड़ा उनका बेसिकली ये था कि पढ़ लिख के अकाउंटेंट बन जाए, ये तो उनके बिजनेस में थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाएगी, और वही होता है आप जो चाह रहे होते हैं उसके विपरीत ही होता है। तो मैं बड़ा वैसा था कि मेरी, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने 10th में जो है पास करी थी, बिल्कुल मतलब वो भी मुझे लगता है कि जो CBSE के टीचर जिसने पेपर चेक किया होगा उसको दया आ गई होगी मुझ पर या कुछ, तो उसने बिल्कुल 33 नंबर दे के ऐसे कि ना जा भाई बेटा तू आगे जा, पहुंच जा बस, तो ऐसे मेरे साथ वो हुआ। तो मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था ये नंबर्स और इसमें, अब है कि मैं कितने कमा रहा हूँ और कितने का बिजनेस करेगी मेरी फिल्म या मेरी सीरीज, तो ऐसा कुछ था मामला उस वक्त। तो पढ़ाई से भागते ही रहे हमेशा, तो पिताजी चाहते थे कि भाई ये पढ़ ले, थोड़ी सी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए तो कैनेडा वैनेडा चला जाए, वहाँ जाएगा तो डॉलर में कमाएगा, तो वो भी नहीं हो पाया, अकाउंटेंट भी नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है तुम बैठो दुकान पे, फिर दुकान पे कुछ साल दिए, फिर फाइनली अपनी बात रख दी कि हमसे ना हो पाएगा, हमको जाना है। तो फिर उन्होंने एक बार मौका दिया कि जाओ, पैसे दे के कुछ बॉम्बे भेज दिया। फिर बॉम्बे थोड़ा सा ना शुरुआत में बड़ा अलग सा शहर लगता है आपको, आपको लगता है कि आप एक तो इतनी सारी धारणा के साथ आप आते हैं, इतना कुछ सुन के आते हैं बॉम्बे के बारे में, ऐसा बता देते हैं ना लोग आपको कि आपने सामान का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, आदमी गायब हो जाता है और चोरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो बड़ा एक शुरुआत में वो डर था। उसी चक्कर में शायद मैं बहुत जल्दी चला भी गया मैं, और बॉम्बे का ये भी है कि आप बॉम्बे को चूज़ नहीं करते, बॉम्बे आपको चूज़ करता है, मुंबई आपको चूज़ करती है कि वो किसको रखना चाहती है और किसको नहीं रखना चाहती है। तो पहले तो बड़े रिजेक्शन बॉम्बे ने, मतलब मुंबई ने मुझे दिए, सॉरी। तो 2004 में आया, वापस चला गया 48 घंटों में, फिर 2010 में आया, उसमें भी करीबन 10 से 12 दिन ही मुश्किल से गुजारे, फिर चला गया। फिर 2013 में आया था एक बार, तब पैसे तो थे नहीं, तो मुझे एक फिल्म कर रहा था, तो वो लोगों ने मुझे दिल्ली से यहाँ फ्लाई करना था बॉम्बे कि आप आइए, क्योंकि शूट का कुछ पैच वर्क रहता था। तो मैंने बैग वैग पैक किया, मैंने कहा चलो भाई खर्चा तो आपका बच गया ट्रैवलिंग का, तो यहाँ मैं आ गया। यहाँ आके फिर कुछ दिन कुछ एक दोस्तों के घर रहा, 6-7 दिन मेरे बड़े अच्छा दोस्त है मेरा बैचमेट है सुमित, उसके पास रुका, उसने बड़े हेल्प करी, गाइड भी किया। फिर वही हुआ कि नई बनी बात, वो फिर रिजेक्शन हो गया मुंबई का, मुंबई ने कहा बेटा नहीं अभी तो तैयार नहीं है तू जा। फिर मैं वापस दिल्ली, फिर दिल्ली में कई साल निकाले और थिएटर किया, क्योंकि कुछ सिस्टम बैठ नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है इत्तफाक की, और पिछले ये जब फिल्म 83 आने से कई समय पहले मैं बिल्कुल ऐसा, जैसे क्रेविंग कहते हैं ना, जैसे हो रही थी कि यार मैं टीम बनाऊं क्रिकेट की, लोगों को इकट्ठा करूं और टीम बनाऊं वापस से कि क्रिकेट खेला जाए यार, क्रिकेट खेला है, और मेरा बड़ा मन कर रहा था, लेकिन क्रिकेट बैट बॉल छुए बहुत दिन हो गए थे। तो इत्तफाक से ये फिल्म आ गई और ऐसी आई कि फिर लगातार पूरे एक साल क्रिकेट खेला, और आज भी अब एक VPL करके हम लोगों ने वर्सोवा प्रीमियर लीग बना रखा है, एक टीम है जिसमें काफ़ी एक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और प्रोडक्शन की टीम के लोग हैं, वो सारे मिलके हम लोगों ने एक टीम बना रखी है, तो उसमें करीबन 101 लोग हैं, तो डेली मैचेस होते हैं। तो क्रिकेट तो अभी ज़िंदगी का बहुत ही एक इंटेग्रल पार्ट हो गया, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है, तो क्रिकेट तो चलता ही रहता है। तो मैं बिल्कुल, मेरे कहीं पर ड्रीम में क्या, मेरे दूर दूर तक कभी मैंने ना सोचा था ना मेरे जहन में कभी ये बात थी
इनफैक्ट जब ये अनाउंसमेंट भी हुई थी ना फिल्म की, तब भी मुझे ऐसी कोई क्यूरोसिटी नहीं जागी थी कि मैं जा करके ऑडिशन दूँ या मैं पता करूँ ये कहाँ बन रही है फिल्म और कैसे इसमें मैं ले सकता हूँ पार्ट। कोई इंटरेस्ट दूर दूर तक नहीं था। अनाउंसमेंट सुनी, वो इवेंट ज़रूर मैंने अच्छे से देखा टीवी पे, मतलब यूट्यूब पे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से थे उन सभी लोगों के और रियल किस्से थे, तो मुझे वो तो बहुत एक्साइट किया, वो मैंने अच्छे से देखा। उसके बाद काफ़ी देर फिल्म रुकी रही, कुछ शुरू नहीं हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही, कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छावड़ा सर, उनके ऑफिस के बाहर से निकल रहा था, तो एक मेरा दोस्त था बलविंदर बल्लू, तो मैंने मूछें उस वक्त रखी हुई थी, मैं फिल्म करके हटा था सोन चिरैया अभिषेक चौबे सर की, तो उसने मेरा फोटो खींच लिया। उसने कहा यार तू ना एक क्रिकेटर जैसा लग रहा है और मैं तेरे को देखता हूँ, मैं बुलाता हूँ कुछ है ठीक है। फिर वो भी बात आई गई हो गई उसके कई बार तक। उनका ऑफिस शिफ्ट हो गया मुकेश सर का आरामनगर से, वो जुहू इधर आ गए मैरियट के सामने, और वहाँ पर फिर किसी एक फिल्म का मैं ऑडिशन देने गया, और वहाँ पे एक पूरा रूम था जहाँ पे इसकी कास्टिंग के लिए फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो वहाँ पे पता चला कि 83 की कास्टिंग हो रही है। तो मैंने कहा यार देखो यार अगर तुम्हारे समझ में मैं आता हूँ तो। तूने कहा नहीं सर बताते हैं अगर कुछ होगा तो देखते हैं। मैंने ठीक है, मैं आ गया और कोई बात बात कुछ चीज़ कुछ नहीं। फिर एक दिन ऐसे इत्तफाक से कॉल आया कि एक टेस्ट करना आपका मदन लाल के रोल के लिए, तो आप ना अपना बॉलिंग का स्टाइल एक वीडियो बना के भेजिए। तो फिर मैंने अपने दोस्त सुमित जिसका मैंने अभी जिक्र किया उसको बोला, उसने एक बढ़िया सा वीडियो उसी टोन में, उसी ज़माने के टोन में, 80s के टोन में ना, कलर पैलेट वैसा यूज़ करके, पीछे कमेंट्री डाल के, ये अपना यारी रोड के पीछे बैक रोड है वहाँ पे हम लोगों ने उसको शूट किया। तो पैसे वैसे का कोई जुगाड़ नहीं था, स्वेटर नहीं था, तो मैंने कहा कैसे अब किराए पे सामान लाया जाए। फिर कैसे कैसे अरेंज करके, एक दो मेकअप दादा को जानता था उनसे मूछें मंगवाई, मूछें नकली लगाई, और स्वेटर किराए पे। फिर मेरा दोस्त था प्रदीप, उसको बोला यार वो लेके आ रेंट पे, फिर वो रेंट पे स्वेटर लेके आया मेरे लिए क्रिकेट का, वो डाला, अपनी एक वाइट शर्ट डाली, पैंट डाली कहीं से अरेंज करके, और वो बना के भेजा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है एक बार आकर के आप यहाँ पर एक काम वो करते हैं, आपका ऑडिशन करते हैं, कोई भी एक स्पीच रेडी करके ले आओ। और मैंने सोचा कि यशपाल शर्मा पता नहीं मुझे बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इल्म ही नहीं था। तो मैंने जाके स्कोर कार्ड चेक करा, तो फाइनल में करीबन कुछ 7-8-9 रन मारे हुए थे उन्होंने। मैंने कहा यार फाइनल का सारा खेल होता है उसमें इनका स्कोर नहीं है, तो ये कैसे होगा ये रोल, मतलब क्या होगा इसमें, कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। बट वो इंसिस्ट कर रहे थे बार बार कास्टिंग से कि ये कर, ये रोल बहुत अच्छा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है पूरी फिल्म के अंदर। पहला मैच इन्होंने जितवाया था, मैन ऑफ द मैच थे, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली थी, सेमीफाइनल में बहुत अच्छा है इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो ये और मेरे ख्याल में पूरी फिल्म के अंदर कॉमिक एलिमेंट अगर कोई लाता है तो वो यशपाल सर का है, क्योंकि ऐसे पंचेज हैं उनके पास। तो मुझे, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको बैटिंग का अपना स्टाइल, मतलब बैटिंग करते हुए एक वीडियो बना के भेजा, और कबीर सर ने उसे अप्रूव कर दिया, और मुझ पर कॉल आ गया कि ठीक है भाई आपको इस रोल के लिए फाइनल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो वाला वो देखना था वो उन्होंने वहाँ से देख लिया था मदन लाल वाले उससे। तो मुझे बाद में बता रहे थे सबके, यार हम इतना हंस हंस के पागल होते थे तेरा वो देख के इंटरव्यू, जो तूने ऑडिशन दिया था सॉरी, बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे फिर फाइनल हो गया, बातचीत हो गई सारी, मैं स्क्रिप्ट पढ़ने गया, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो सर से मुलाकात हुई, कबीर सर से। फिर उन्होंने बताया कि सबका इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है एक ऊपर है दूसरा नीचे है या ऐसा है, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और तू कर, ये अच्छी फिल्म है। और बस फिर कर ली, गैंग हो गया था बिल्कुल, लड़के ही लड़के थे, और एक 11 लड़के नहीं थे, 14-15 आदमी हो गए थे, क्योंकि मान सिंह है, 12-13 लोग तो वैसे हम ही थे। तो उसके बाद कबीर सर खुद बहुत इंजॉय करते थे कंपनी, वो तो देखते थे जैसे ही
लड़के बातचीत कुछ कर रहे हैं तो वो धीरे से स्नीक इन कर जाते थे कि हाँ भाई क्या बात चल रही है, तो इस तरह से उनका बड़ा इसमें योगदान रहा। तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, तो सबसे पहले जतिन बटर वाली पाव भाजी का मजा उठाएंगे। डबल बटर चलेगी। हाँ, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। हाँ, दिल्ली की बहुत याद आती है, मतलब ये सब चीज़ें देख के बहुत याद आती है दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में पाव भाजी का कोई सीन नहीं है उतना। मतलब मेरी माता जी बहुत अच्छा बनाती है पाव भाजी कभी कभी घर पे, लेकिन वैसा कोई ऐसा बहुत वो नहीं है, ना ही वड़ा पाव भी दिल्ली का कोई ऐसा वो नहीं है। दिल्ली में चलते हैं दही भल्ले, गोलगप्पे और टिक्की, छोले कुलचे, छोले भटूरे, उस पर तो मतलब हर दूसरी दुकान में मतलब अच्छा मिल जाएगा। बॉम्बे में थोड़ा सा रेयर है वो मिलना। आ जाओ भाई, जिस जिस में खाने की हिम्मत है वो आ जाओ। और अब बारी है खट्टे मीठे गोलगप्पे खाने की। भाई जतिन दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते उनका मुंबई में बसेरा है, लेकिन जतिन बहुत बड़े फूडी हैं, तो दिल्ली हो या मुंबई हर जगह का स्वाद चखने को ये तैयार रहते हैं। पानी और पूरी, ये दो चीजें। दिल्ली में क्या बोलते हैं? गोलगप्पे। अच्छा, वहाँ का और यहाँ का बेसिक डिफरेंस ये है, यहाँ पे जैसे छोले की कुछ एक सब्जी रहती है और गरम रहते हैं रगड़ा, हाँ, और पानी ठंडा होता है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जबकि दिल्ली में वो सब नहीं रहता। दिल्ली में वो सूखा रहता है, ठंडा होता है छोले या जो भी वो डालते हैं गोलगप्पे में, और पानी भी ठंडा होता है। पानी में तो बकायदा बर्फ़ डाल के उसे बड़ी देर तक घोटते रहते हैं वो, तो यहाँ पे वो एक मुझे बड़ा डिफरेंस लगा, जो कि अच्छा भी है, समटाइम मज़ा आता। पहले पानी टेस्ट कर लेते हैं पहले भाई, और अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना लग रहा है। ये है भाई मज़ेदार, अरे स्वाद है बहुत अच्छा है, मतलब तीखा बड़ा पसंद है हमें दिल्ली वालों को और मेरे को खास करके, तो वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। भाई तीखा तीखा तो खा लिया, अब बारी कुछ मीठा खाने की। भाई ठंडी के मौसम में बर्फ का गोला मिल जाए तो मजा ही कुछ और होता है, और जतिन ने तो अपनी बचपन की यादें भी ताजा कर ली। देख लीजिए सब लिखा हुआ है, कौन कौन सा चाहिए, काला खट्टा, रसबेरी, पाइनएप्पल, ऑरेंज चॉकलेट, रोज खुश, मैंगो ग्रीन, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, लेमन गोला, स्पून ग्लास, मिक्स गोला, तो रोज दे दो यार। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा खाया नहीं, काला खट्टा तो सभी ने अधिकतर वो किया है, तो छोटे होते जब गली में आते थे ना रेडी पे, एक तो वो साइज भी छोटा होता था, फिर वो तीन चार तरह का फ्लेवर डालता था और वो उसको जाने नहीं देते थे तब तक जब तक, क्योंकि अगर रस खत्म हो गया फिर दोबारा चाहिए तो फिर वो और थोड़ा डालता था, तो तब तक उसे रोक के रखते थे रेडी वाले को। बड़ा ये कलरफुल पूरा लगा हुआ मामला। बचपन में मतलब इसके एक तिहाई इतना आता था जो खाया जाता था, अब इतना बड़ा तो भर के देते भी नहीं थे, नहीं मिलता था कुछ ऐसा, लेकिन अभी उसका पैसा और इसके पैसे में फर्क भी है।
स्कूल से लौटते वक्त काफ़ी ऐसा होता था जब यार दोस्त सारे आ रहे होते तो काउंटी करके ना भाई किसी के पास एक रुपया है, किसी के पास दो है, कोई एक थोड़ा बड़ा है तो उसके पास पाँच है, तो सब काउंटी करके गोले वाला बाहर खड़ा रहता था स्कूल के, फिर काउंटी करके सब तीन यार दोस्त है वो सब खा लेते थे। एक वो भी आती थी बचपन में ऐसे प्लास्टिक की क्यूबिक क्यूब में वो आती थी प्लास्टिक, उसमें ऑरेंज की वो बनी होती थी वो खाते थे, तो बहुत सारी आइटमें आती थी। अब कहाँ कौन से स्कूल में पता नहीं। अरे रुकिए रुकिए भाई, पेट पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तो और स्ट्रीट फूड का मजा लेना बाकी है। इसलिए जतिन पहुंच गए सास बहू और बेटियां संग मुंबई के फेमस समोसे खाने के लिए, और उसके साथ उन्होंने गर्मा गर्म समोसों के साथ ठंडी ठंडी लस्सी पी और खाया गाजर का हलवा। बिल्कुल खुशबू तो आ गई है, और मुझे लग रहा है कि इतनी दूर जो हम यहाँ पे चल के आए हैं, अब आपने इतनी तारीफ करी है तो कुछ तो होगा ही। साइज छोटा है समोसे का, लेकिन लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग है। वाह, जैसी बात करी थी बिल्कुल उस लिहाज से तो है मजेदार। बिल्कुल सफल हुआ, पार्किंग हमें थोड़ी दिक्कत जरूर आई लेकिन कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अरे छोड़ो कुछ नहीं रखा है इस सब में, समोसे का मजा लो भाई, छोले हैं समोसे हैं और मीठी लस्सी भी नजर आ रही है, केसर लस्सी भी है, मैंगो लस्सी भी है। मैंगो लस्सी है और दोनों ही बहुत ही लजीज चीज़ें, अब इसमें से कुछ एक चूज़ किया जा सकता है, या तो आप लस्सी पी लो या गाजर का हलवा खा लो, मेरे तो दोनों फेवरेट हैं। इसमें गुलाब जामुन भी आता है, जलेबी भी है, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करता हूँ, लस्सी को मैं चूज़ करूँगा। इतनी ज़्यादा मेमोरीज है ना, मेरी माँ इतना बढ़िया गाजर का हलवा बनाती है, और सर्दियों में मतलब बाहर कहीं खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी गए हुए थे दिल्ली, मैं मेरे दोस्त हम सब चांदनी चौक घूम रहे थे, तो वो ले आया गाजर का हलवा, मैंने खाया बैठ के बड़ी तसल्ली से, पूरा ख़त्म किया डोना, फिर आखिरी में उठ के मैंने कहा नहीं यार, जो माँ के हाथ का गाजर का हलवा है वो माँ के हाथ का। लस्सी मैंने आपको बताया मैं खुद बनाता हूँ, बहुत टेस्टी लस्सी, तो हम कभी मैंगो लस्सी अगर ट्राई करनी होती है तो नॉर्मल दही चीनी हल्का सा पानी डाल के आइस क्यूब डाल के उसको रगड़ फेंट लिया, फिर उसमें आम स्लाइस करके डाल दिए तो उसका एक अलग मज़ा आता है, नहीं तो मैश कर लो, तो ये काम तो बहुत करे मैंने। भाई पेट पूजा से थोड़ी फुर्सत क्या मिली, वो पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए। लेदर की जैकेट्स वगैरह का बहुत शौक है, तो अभी निकल रहे थे रास्ते से तो आपने बताया कि यहाँ पे मिलती है बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें, मैं सोच रहा हूँ एक हैंडबैग ले लूँ, अगर मिल गया तो देखते हैं। आइए अभी इनका डे आउट यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब तो ये पहुँच गए हैं मुंबई के बैंड स्टैंड में, जहाँ से उन्होंने समुंदर का मजा उठाया, साथ ही बताई अपनी फिल्मों की और करियर की कहानी भी। सीक्रेट गेम एक्चुअली मेरा ख्याल है कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना इत्तेफाक, सही वक्त पे सही जगह पे होना, शायद वो था, क्योंकि मैं दिल्ली में था, काम कुछ कर नहीं रहा था सिवाय थिएटर के, अब बॉम्बे में शिफ्ट हो नहीं रहा था, तो अचानक से एक दिन मैंने डिसाइड किया दिल्ली बहुत देर हो गई रहते हुए, अब चलना चाहिए, तो मैंने जिस साल डिसाइड किया था 2017 में मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आते ही मैं और मेरा दोस्त प्रदीप हम दोनों घर पे बैठे हुए थे, और मैंने प्रदीप को बोला चल यार ऑडिशन ही दे आते हैं बहुत दिन हो गए, तो दोनों अपना आलस से उठे, कपड़े वपड़े बदले, ऑडिशन देने गए, एक दो कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ गए, फाइनल हमारा जो जहाँ रुके वो था मुकेश छाबड़ा सर का ऑफिस,
वहाँ पे यार दोस्त भी हैं तो उनको सबको हाई हेलो करते चलते हैं। तो वहाँ गए तो मंदार वहाँ पे कास्टिंग असिस्टेंट था, उसमें वो स्क्रिप्ट उसको दे रहा था मेरे दोस्त प्रदीप को कि तू ये एक सीरीज़ हो रही है नवाज़ भाई और सैफ अली खान है, तू इसके लिए ऑडिशन दे। और मैंने पीछे देख रहा था कि यार मुझे बोला नहीं है, मुझे क्यों नहीं कह रहा कि यार मैं भी तो एक्टर हूँ, मैंने काम भी किया है, मैंने नहीं आऊँ। वो नहीं हुआ। फिर मैं घर आया, मैंने मुकेश सर को मैसेज किया, कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कुछ काम हो तो मेरे लिए बताइएगा। देन ही सेड हाँ एक रोल है, मैं बुलाता हूँ तुझे ऑफिस, तू आ। मैं ऑफिस गया और वहाँ जाकर मुझे स्क्रिप्ट मिली, वो इंग्लिश में थी स्क्रिप्ट, उसका ट्रांसलेशन करना था और ऑडिशन देने आना था। मैं घर गया, मैंने ट्रांसलेट किया, रेडी किया। अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो कोई कॉल नहीं उठा रहा, और मैं डर गया। मैंने कहा यार शिट ये क्या हुआ। तो उस दिन संडे था एक्चुअली, तो संडे को ऑफिस बंद होता है। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा अब यार मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंस रखता था वो ऑडिशन, क्योंकि अनुराग सर बना रहे थे तो मुझे था, क्योंकि उससे पहले मेराठिया गैंगस्टर उन्होंने प्रेजेंट करी थी, एडिट करी थी, तो उनको काम अच्छा लगा था और मैं लगातार डिस्टर्ब भी कर रहा था उनको मैसेज कर करके कि मुझे काम दीजिए, मेरा काम अच्छा नहीं है क्या, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। तो मंडे को मैं गया, मुझे मैंने कास्टिंग एडी उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया ऑडिशन दिया एंड बैंग दे लाइक्ड इट कि ठीक है यार इसको फाइनल करते हैं। फिर ऑफिस गया फैंटम के, जहाँ पर जाना हर किसी के लिए बड़े सपने और वैसी बात थी, मेरे लिए वो मौका था। मैं गया ऑफिस और मेरी मुलाकात हुई अनुराग सर के साथ, विक्रम सर के साथ। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया करेक्टर के बारे में और बोला कि अब जा शूट पे मिलते हैं। उस तरह से शूट शुरू हो गई। फिर बस मुंबई में रहने के लिए, किसी भी शहर में रहने के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है, वो मेरे पास था नहीं, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट उस लिहाज से नहीं था, मतलब फाइनेंस के लिहाज से उनका कोई सपोर्ट नहीं था। बाकी इमोशनली मॉरली सब तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे बस ये था कि यार पैसे नहीं है तो बॉम्बे में रहूँगा कैसे। हालांकि मेरे कुछ दोस्त थे बहुत अच्छे जिनके पास मैं रुकता था आके हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। सुमित उनमें से एक है, सुमित कुमार मेरा बैचमेट ही है, उसने काफ़ी हेल्प आउट किया मुझे। तो 10 दिन के लिए मैं उसके पास रुकता था, कोई ऑडिशन, मैं ऑडिशन देने के लिए आता था ट्रेन से बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, ऑडिशन देता था, ऑडिशन दे के वापस चला जाता था ताकि कास्टिंग वालों को ये ना लगे कि ये यहाँ रहता नहीं है। तो काम ना मिलना एक बड़ी वजह थी कि मैं नहीं रह पाता था। तो जब जैसे कोई मौका आता था, कोई काम आया है 2 दिन का, तो मैं 10 दिन का बांध लेता था अपना सामान कि मैं रुकूंगा 10 दिन, अपना वहाँ पे देखूंगा, इधर उधर घूमूंगा, जैसे पैसे ख़त्म होते थे वापस चला जाता था, फिर जाके कुछ काम किया, पैसे कमाए, वापस आ गए 10 दिन के लिए। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ बहुत चल रहा था। फिर 2017 में जस्ट बिफोर सीक्रेट गेम मैं शिफ्ट हो गया था। ईमानदारी से कहूँ तो ये आसान काम नहीं है। आप जो प्रोडक्ट फाइनल देख रहे हैं वो ओवर द नाइट नहीं होता है, वो एक दिन में नहीं होता है, वो एक सीन एक टेक में नहीं होता है, उसमें बहुत समय जाता है, बहुत वक्त जाता है। आपको पहला ऑडिशन क्रैक करने में बहुत वक्त निकल जाता है, लोगों के कितने कितने साल बीत जाते हैं वो एक ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल, बल्कि चैलेंज से भरी हुई एक जगह है, दुनिया है फिल्म इंडस्ट्री। अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा यू नो वेन्यूज़ खुल गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, यूट्यूब है, रील्स हैं, आप कुछ भी करके हाइप पा सकते हैं। बट जिस समय मैं आया था या मुझसे पहले जो लोग आए थे तो वो अलग लेवल का स्ट्रगल था। मैं आपको बताता रहा हूँ, मतलब सिर्फ ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि मैं रह नहीं सकता था बॉम्बे, मैं ऑडिशन देने के लिए आता था, टिकट कराई, ऑडिशन दिया, वापस भागे, कोई रुकने का मतलब नहीं। और काफ़ी समय लग गया पहला अच्छा रोल क्रैक करने में। मैं क्राउड में काम किया करता था दिल्ली में, और जब वो कर आके समझ में आया कि भाई एक्टिंग सीखनी पड़ेगी तो ही बात बनेगी, नेचुरल एक्टर हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आके आपको उठाने वाला नहीं है। तो एक्टिंग कोर्स किया, उसमें 2 साल दिए, फिर उसके साथ 3 साल और दिए थिएटर को, मतलब सीखने के लिए, समझने के लिए। साथ साथ में छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लग गए थे दिल्ली में, वो मैं करता रहा। और करीबन 7-8 फिल्में मैंने दिल्ली में ऐसी करी छोटे छोटे रोल्स में कि कल शायद कुछ अच्छा बड़ा मिलेगा, या कल जब ये डायरेक्टर अपनी बड़ी फिल्म बनाएगा, नेक्स्ट फिल्म बनाएगा, तो शायद मुझे पसंद करेगा और एक अच्छे रोल मिलेगा। तो वो बहुत समय मेरा गया, टाइम काफ़ी निकला उसमें, लेकिन आई एम हैप्पी कि यहाँ तक आ गया हूँ,
ऊपर वाले और परिवार के आशीर्वाद से, ऑडियंस के प्यार से, सो आई एम हैप्पी। खाकी के बारे में बस यही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, एक किताब है बल्कि अहमद लोढ़ा की, जो कि बहुत फेमस किताब है, उस पर एक सीरीज़ बनी है, और एक बहुत ही बड़ा नरसंहार जो हुआ बिहार में उस समय में, उसके ऊपर वो किताब है। कैसे फिर अमित लोढ़ा जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो चंदन मातो, च्यवनप्राश साहू जो मेरा कैरेक्टर, उसे कैसे पकड़ता है, उसके ऊपर है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करके, एक नया वेन्यू खुला, कभी भी यूपी, मतलब यूपी का तो मैंने काफ़ी लैंग्वेज में काम किया, बिहार का एरिया मैंने अभी टच नहीं किया था, तो वो एरिया खुला, वहाँ की भाषा बोला, है ना, उस स्टाइल को, क्योंकि हम बचपन में बहुत मिमिक करते थे ना, ऐसे डायलॉगबाजी करते थे बोल के, तो वो मौका मिला करने का रोल उस जगह का, तो अच्छा लगा। और एक अच्छी प्रोडक्शन कंपनी के साथ जुड़ते हो आप, फ्राइडे फिल्मवर्क्स, नीरज पांडे, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो मौका मिला नहीं यहाँ आके प्यार जताने का, इजहार करने का, लेकिन जो भी आते हैं और प्यार है तो बहुत अच्छी बात है, प्यार करने वालों को जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ मौका मिल जाए। लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है ना उधर, कुछ भी बिल्कुल पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसी आशा के साथ कि कभी किसी दिन मैं भी यहाँ आकर, निजी ज़िंदगी में ना सही लेकिन किसी फिल्म की शूट के लिए ज़रूर आके प्यार का इजहार करूँगा। आई एम रियली वेरी थैंकफुल, और आई थिंक एंड आई होप कि जर्नी और आगे जाके खूबसूरत होती जाए और अच्छा काम करूँ, और इसी तरह से लोग प्यार करते रहें, व्यूअर्स अप्रिशिएट करते रहें। अच्छा आपको आखिरकार वो फाइनली दिख गई, मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम, मेरी नज़र भी वहाँ गई थी। यहाँ पर मिले जतिन को उनके ढेरों फैंस, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और खींची ढेर सारी सेल्फीज। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, जाते जाते खट्टी मीठी कैरी का मजा उठाया जतिन ने। ओहो भाई, उम्मीद है आपने जतिन सारना के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और साथ ही सास बहू और बेटिया संग इनके फन डे आउट को देखकर आपको मजा आया होगा। उम्मीद है कि जतिन यूं ही एक नए किरदार में वापसी करें और करें अपने दर्शकों का मनोरंजन। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।